शक्ति व्यासं ततो जन यदि आज इस महा सत्संग और महा यज्ञ में हमारे पधारे हुए समस्त भाई और बहनों और माताएं, मैं परमात्मा से अंतरात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की अंतरात्माओं को निर्मल बना करके एक अच्छी मार्ग की जो है की ओर आकर्षित करें। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं लगभग पूरे हिंदुस्तान में घूमा करता हूँ, देखता भी रहता हूँ जो आप लोगों यहाँ पर बैठ करके आज जो ये सत्संग का माहौल बनाया है, ये बहुत ही जो है मतलब सराहनीय और जो है मतलब कहने का मतलब अच्छा है। हमारा कहने का एक ही मतलब है, यहाँ गायत्री परिवार के लोग सब बैठे हुए हैं और कई लोग अपने अपने हिसाब से सब धर्म के नाम से लगे हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आप लोग कुछ रहस्य बताने जा रहा हूँ। गायत्री एक ऐसा महान विज्ञान है जिसके विषय में शायद ही लोग बहुत कम जानते हैं। गायत्री कोई देवी नहीं है कि जो उसका रूप बना दिया जाए, वेदों के अंदर कहीं भी गायत्री के रूप में नहीं बात आई है। जो मैंने चार वेद 108 उपनिषद 18 पुराण 4-5 गीता और संपूर्ण अध्ययन करके मैं लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, गायत्री का कहीं देवी का रूप नहीं आया है। गायत्री का महान व्यापक ब्रह्मांड का एक तेज पुंज जिसे आप पूरे शक्ति के रूप से मानते ना, वो व्यापक तत्व है। गायत्री का अध्ययन करो, गायत्री में सबसे प्रथम गायत्री के मंत्र में सबसे प्रथम एक अक्षर आया है ओम। ओम देखो, ओम को समझने में बहनों 1 साल लगेगा अगर ओम को समझाएंगे अच्छी तरह, और गायत्री समझने में भी 1 साल लगेगा। तब गुण रहस्य इसका है, तब वेद माता कही गई गायत्री। सबसे प्रथम अक्षर है ओम। ओम का रहस्य आ ओम मां, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है, गायत्री क्यों और गायत्री की जाप क्यों किया जाता है, गायत्री को क्यों बोला जाता है, इतना बड़ा स्थान गायत्री को सुनता हूँ समाज में उसका स्थान मतलब आप आगे कारण क्या पूछे, उसका कारण ये है गायत्री की केवल इतनी प्रार्थना है, हे महान शक्ति हमारी बुद्धि उस योग बना दो। देखो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, समझना हमारी बात। आप लोगों ने कभी दूध जो आप माताएं सबको पता है कि दूध जब घर में आता है ना, अगर दूध में रुई की वाटी बना करके दूध में भिगो के जलाओ तो क्या जलेगी? मतलब रूह की वाटी बना के दूध में उसको भिगो के और जलाओ क्या जलेगी? नहीं जलेगी ना। जब दूध को इतना पकाया जाता है खूब दूध पकता है तब ऊपर मलाई बनती है, फिर दूध को जमाया जाता है तो मक्खन बनता है और यह कहना उसको दही बनता है, और इसको खूब फेंटा जाता है मतलब उसको मंथन करते ना तब क्या निकलता है? मक्खन भी नहीं, मक्खन निकला। दूध को खूब पाया तो मक्खन निकला। अब मक्खन वगैरह रू लगा करते मतलब तैयार तो क्या जलेगी? नहीं जलेगी। देखो अब मक्खन को खूब पकाया जाता है, इतना पकाते हैं कि उसमें निगेटिव तत्व जल गए वो ही बुल गए, तब बनता क्या? घी। जब घी में मत्ती जला दो तब होता है प्रकाश, पहले नहीं होता है। देखो मनुष्य की बुद्धि होती है, बुद्धि 3 गुण से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 प्रकार की बुद्धि होती है हर प्राणी में। बुद्धि का जैसे दूध और बुद्धि का सर, अगर आप बुद्धि से अपना काम करोगे तो कभी भी हृदय प्रकाश नहीं होगा, समझना चित करोड़ों जन्म आप लगे रहो। बुद्धि का सार तो क्या है कि इतना बुद्धि को पकाओ अंदर से, पकाने उठे साधना तप से कहते ना, साधना करो तप करो क्या करो तब विवेक उत्पन्न होगा, क्या होगा? विवेक। बुद्धि से परे क्या है? विवेक। जैसे दूध से परे मक्खन, विवेक से भी कुछ नहीं होने वाला। देखो सोच पड़ जाएगी मतलब पवित्रता आ जाएगी ना, और विवेक को खूब पकाओ तब होती प्रज्ञा। क्या होती है? तब लिखा वेद में क्या लिखा? नितंभरा तत् प्रज्ञा। जब प्रज्ञा नाम की बुद्धि उत्पन्न होती है तब आप अपने अंदर के विद्यमान आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं। इससे गायत्री की उपासना की जाती है कि हमारे जो सबसे पहले ओम है, अगर आपको मोक्ष लेना है इस शरीर से मुक्ति करके अपनी परम गति को योग जाना है तो ओम की उपासना होती है, और बुद्धि को परम तत्व की ओर ले जाना है सूक्ष्म चीज तो गायत्री उपासना होती है। वेद में 2 मंत्र बताए गए हैं, देखो
अब आते हैं गायत्री में, तो क्या कहते हैं कि भू हुआ स्व, भू माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी रसातल तलातल भूतल पीतल सुतल जो नीचे संपूर्ण ब्रह्मांड है वो भू के अंदर आ जाता है। भुआ भुआ एटले मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जितने सूर्य चंद्रमा तारे जो मंडल है वो भुआ के अंदर आ जाती है, और स्व स्व यानी महाजना तक सब पे ऊपर के संपूर्ण लोग आ जाते हैं। हो गया ना, भू हुआ स्व पित्त तत् माने तत् सवित वर्ण, सवित कहते हैं सूर्य को, जो सूर्य भगवान होते हैं जो सूर्य को भी प्रकाशित करते हैं, देवताओं को भी जीवन देते हैं। भगवत देवस धी मही, धी माने हमारी बुद्धि को, वो परम शक्ति वो पावर हमारी बुद्धि को यूना प्रचोदयात, ऐसी महान हमारी शक्ति को हमारी बुद्धि को इतना तीव्र बना दो कि ओम के एक एक तत्व को समझ करके अपनी आत्मा को परमात्मा में गिरने लगो, जिसे लौट करके पुनः पृथ्वी पर जन्म न हो, इसलिए गायत्री पसंद की जाती है। देखो अब आगे के साथ साथ हम तो महाभारत से लेकर के ऋषि मुनि ने क्या किया, विश्वामित्र ने 100 साल तक उल्टा खड़े होकर के महागायत्री उपासना की। तब विश्वामित्र को क्या लिखा गया, नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि नई सृष्टि बना दी ब्रह्मांड में गायत्री के बल पर। गायत्री वो पावर है, देखो शायद आपने सुना हो ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र जो बनाए जाते हैं वो ऋषि मुनि गायत्री के बल से बनाते थे। मैंने इसका अध्ययन किया गायत्री का, एक एक अक्षर में इतनी ताकत उसमें है परमाणु ऊर्जा से लेना पाता था, और इसी मुझे कैसे प्रयोग करते थे अब सुन लो, हम एक प्रयोग बताऊंगा गायत्री का। हमने उसका अध्ययन करके और उसका हमने मतलब जो है कहना प्रैक्टिकल देख लिया है, उसका रिसर्च निकाला मैंने। गायत्री ज्यादातर रात्रि में प्रयोग की जाती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि दिन में ही गायत्री को गायत्री रात में प्रयोग होता। सुनो हर अक्षर पर, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, किसी आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो, किसी की शक्ति कमजोर हो, किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो, या अपनी कोई किसी पर बीमारी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ये गायत्री सब हल हो जाती है। पहला अक्षर ये मान लीजिए ओम अक्षर ले लो, ओम भू ओम भुआ ओम स्व ओम तत् ओम स्व ओम वी ओम तू ओम वा ओम रे ओम भर ओम गो ओम दे ओम वा ओम स्या ओम धी ओम मा ओम ही ओम धी ओम यो ओम यू ओम ना ओम प्रा ओम चो ओम दा ओम या ओम ता, हर अक्षर लगे ना। अब ये महान शक्तिशाली मंत्र बन गया। अब उल्टा जाओ, ओम ता ओम चो ओम प्रा ओम ना ओम यू ओम धी ओम यस ओम दे ओम गो ओम भर ओम ऋण ओम तुम ओम धी ओम स्व ओम तत् ओम स्व ओम भू ओम भुआ ओम, जब हो गए ना एक बार गायत्री को सीधे जाए एकदम झूठ जाइए। ओम तयाद चो प्रणवी एवधी ओ हिंदी यशवे गोहर इरडम तुर भी सस्व भव बोलों, एक उल्टा गायत्री। जब ऋषि मुनि रात में बैठ करके और इसको अध्ययन करके और निरंतर इसका माला नहीं चलता, आप ध्यान से बैठ जाओ और ध्यान से कैसे कैसे इसकी उपासना की जाए, एक एक अक्षर बोलती चले जाओगी तो पूरे शरीर के अंदर से ऊपर आप भी सारे पट होते चले जाएंगे, आप उस तत्व में पहुंच जाओगे जहां देवता भी नहीं पहुंचेगी। वो गायत्री में ताकत है।